हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टेनो पूल में स्वागत है। और दोस्तों, डेली डिक्टेशंस के लिए और आपके डाउट्स के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल्स से जुड़ी सभी अपडेट्स रेगुलरली सबसे पहले मिल सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस शॉर्ट एंड आउटलाइन क्लास 15 में। आज का टॉपिक है लीगल वर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एग्रीमेंट सेल, एग्रीमेंट के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे जी आर और उसमें एम एन की हालविंग करके लिखेंगे, जी आर और उसी में एम एन हाल करके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एग्रीमेंट। और सेल के लिए उसमें एस का सर्कल और अपवर्ड एल, ये हो जाएगा एग्रीमेंट सेल। फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे इसे। आर्टिकल एसोसिएशन, जैसा कि हम आर्टिकल फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, अपवर्ड आर की हालविंग और इसी में के एल, ये हो जाता है आर्टिकल। और एसोसिएशन के लिए उसी में ही हम शीशन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आर्टिकल एसोसिएशन। बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड, इसके लिए हम बेल सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, बी और अपवर्ड एल, ये हो जाएगा बेल। और बॉन्ड के लिए हम उसी में ही बॉन्ड को डिसजॉइन करके लिखेंगे, बॉन्ड के लिए हम बी की हाल्विंग करेंगे और उसी में ही एन का हुक लगा देंगे, ये हो जाएगा बेल बॉन्ड। बैलिफ, बैलिफ के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे बी, एल और एफ, बेलिफ, ये तीनों नॉर्मल रहेंगे। और याद रखिएगा अ, अ के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट, ये हो जाएगा बेलिफ। बैरिस्टर, बैरिस्टर भी हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, बी अपवर्ड आर और उसमें एस टी आर का लूप लगा लेंगे, ये हो जाएगा बैरिस्टर। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, इसमें बी एन और उसी में एस एच और आर, बेनिफिशियरी, ये हो जाएगा बेनिफिशियरी। फिर से देखते हैं, बी एन एस एच और उसमें आर का हुक, ये हो जाएगा बेनिफिशियरी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जैसा कि हमें पता है बियॉन्ड हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, ये ग्रामर लॉ होता है, तो बियॉन्ड लिख के उसी में रीजनेबल के लिए अपवर्ड आर एस एन, रीजनेबल के लिए इतना ही लिखेंगे, आर एस एन और उसमें डाउट ऐड कर देंगे, डाउट के लिए डी और आउ, ये हो जाएगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बॉन्ड, इसे हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, बी की हालविंग करके एन का हुक और ओ का डैश लगा देंगे, ये हो जाएगा बॉन्ड। ब्रीच, ब्रीच हम थ्रू द लाइन यानी कि थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, बी आर और उसी में चे, थ्रू द लाइन लिखेंगे, ये हो जाएगा ब्रीच। कैपिटल क्राइम, कैपिटल क्राइम में हम फर्स्ट प्लेस पे कैपिटल के लिए के लिखेंगे और उसी में क्राइम के लिए, क्राइम को उसी में डिसज्वाइन करके लिखेंगे उसके साथ में, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे। कैवेट, इसके लिए हम फर्स्ट प्लेस पे के लिख के वी की हाल्विंग कर देंगे, ये हो जाएगा कैवेट। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके लिए हम फर्स्ट प्लेस पे कोड के लिए के की हाल्विंग करेंगे, उसी में क्रिमिनल के लिए हम के आर ऐड करेंगे और प्रोसीजर के लिए पी आर, तो इन सभी की यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, कोड के लिए के की हाल्विंग, क्रिमिनल के लिए के आर और प्रोसीजर के लिए पी आर, ये हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चैम्बर, चैम्बर के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे चे
और एम की डबलिंग कर देंगे, ये हो जाएगा चैम्बर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, उसी में ही कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जैसे एल डाउनवर्ड एल लगाते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनल, और लॉ के लिए एक बार फिर से डाउनवर्ड एल लिखेंगे, उसी में ही ऐड कर देंगे लॉ को, ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक्स पार्टे, इसको हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, एक्स के लिए फर्स्ट प्लेस पे के एस और इसी में ही पी काट देंगे, ये हो जाएगा एक्स पार्टे। काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम के की डबलिंग करेंगे यहाँ पे और इसे एन का हुक और उसी में ही क्लेम के और एम, इसे हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ये हो जाएगा काउंटर क्लेम। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट लिखने के दो तरीके हैं, फर्स्ट प्लेस पे के की डबलिंग करके उसी में ही पी आर ऐड कर देंगे, याद रखें यहाँ पे पी आर की हालविंग होगी, या फिर के की डबलिंग करके उसमें एन का हुक और उसी में पी आर की हालविंग करके ऐड कर देंगे, ये भी हो जाएगा काउंटर पार्ट। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, कोर्ट के लिए के आर की हालविंग और मार्शल के लिए एम ए आर का हुक और एस और अपर एल, ये हो जाएगा कोर्ट मार्शल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर से क्रिमिनल के लिए हम नॉर्मल के आर लिखेंगे, प्रोसीजर के लिए उसी में पी आर वो भी नॉर्मल रहेगा और कोड के लिए उसी में के को ऐड कर देंगे, याद रखिएगा कोड के लिए के की हालविंग रहेगी यहाँ पे, ये हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे के एल और उसमें प्रिट्स के लिए पी आर की हालविंग टी की वजह से और एस का सर्कल, ये हो जाएगा कल्प्रिट्स। कस्टडी, कस्टडी के एस और टी की डबलिंग कर देंगे यहाँ पे कस्टडी के लिए। डी फैक्टो, इसे हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, डी एफ का हुक के और टी, यहाँ पे के और टी नॉर्मल रहेंगे, ये हो जाएगा डी फैक्टो। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सेकंड प्लेस पे डी लिख के उसी में ही के एल की डबलिंग और उसी में ही शन लगा देंगे, ये हो जाएगा डिक्लेरेशन। डीड, डीड के लिए हम डी की डबलिंग करेंगे थ्रू द लाइन और ई, ई के लिए हम डॉट लगा देंगे, डीड, ये हो जाएगा डीड। सेल डीड, सेल डीड सेकंड प्लेस पे सेल के लिए एस का सर्कल अपवर्ड एल और डीड के लिए हम डी की डबलिंग कर देंगे और ई के लिए हम डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा सेल डीड थर्ड प्लेस पे। दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट आउटलाइंस, हो सकता है आपके पास इनसे भी शॉर्ट हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो शॉर्ट आउटलाइंस है वो और दोस्तों तक भी पहुँचे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है स्टेनो पूल, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। दोस्तों आपको आज की हमारी ये शॉर्ट आउटलाइंस कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि अच्छी थी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने और मैटर आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।